ताजा घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। आप कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और क्या रणनीति है? जैसे कि मैं कैलाश रमेश सेनानी, मेरी मदर नगर सेविका हैं, अभी माजी नगर सेविका हैं, और मैं 15-18 सालों से मैं सोशल वर्कर हूं और मैं उल्लासनगर में सोशल वर्क करता हूं। हर एक बात के लिए मैं पब्लिक के साथ रहता हूं, पब्लिक के लिए आगे आता हूं, और इस बार मैं 142 विधानसभा का फॉर्म भर रहा हूं। 142 से कल मैं सुबह 11 बजे 29 अक्टूबर को मैं फॉर्म भरने वाला हूं कल्याण ड वार्ड में। क्या कारण है आप 142 से फॉर्म भर रहे हैं? कारण ये है, सबसे पहले तो हमारे जो 142 वीनस से लेके शोया मुलासंगर क्षेत्र में जहाँ पे मैं नगर सेवक, जो जहाँ पे मेरी माता जी नगर सेवक हैं और जहाँ पे मैं काम करता हूँ, वहाँ पे लाइट का बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पे 15-20 सालों से ना कोई नया ट्रांसफार्मर लगा है ना क्या, हर दिन लाइट बंद होती है। हम लोग को बहुत परेशानी होती है, पब्लिक हमसे पूछते हैं कि आप लोग क्या काम करते हो, तो हमने उनको बोला कि हम अपने तरफ से उनको बहुत फॉलोअप लेते हैं, मैंने लेटर्स भी दिए हुए हैं, पर अगर ये MLA और MP थोड़ा इन पे ध्यान देंगे तो वो काम जल्दी होगा, पर वो कोई किसी ने ध्यान दिया नहीं। पिछले 10 सालों से बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे लाइट का, MSME का। कौन सी पार्टी से आप उम्मीदवारी लड़ने वाले हैं? हाँ, मैं अपक्ष लड़ने के लिए अपक्ष लड़ूंगा, मैं अपक्ष उम्मीदवार का फॉर्म भरूंगा। मैं पिछले काफी समय से आप कालानी के हर एक कार्यक्रम प्रोग्राम में आप दिखते हैं, तो आपने कालानी से टिकट क्यों नहीं मांगी टीओ के? मैंने सबसे पहले TOK से टिकट मांगी, उन्होंने मुझे टिकट ना दी, उन्होंने बोला कि हम लोग माविका सागर के साथ हैं गठबंधन में, तो हम आपको टिकट नहीं दे सकते हैं, इसके लिए मैं अपक्ष फॉर्म भर रहा हूँ। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे आपके और वंचित बहुजन आघाड़ी के कुछ नेताओं के साथ आपकी फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई, ऐसे भी शहर में चर्चा थी कि आप वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी से उम्मीदवारी लड़ने वाले हैं, क्या है ये पूरा? ये मामला ये है सर, वंचित आघाड़ी से कि उनसे मेरा कॉन्टेक्ट हुआ था और हम लोग, उन्होंने मेरे को बोला कि आप एक बार मिलो उनसे, मैंने उनके विचार सुने, उन्होंने मेरे विचार सुने, वहाँ पे हम लोग की कुछ भी कमिटमेंट नहीं हुई। मैंने उनको बोला कि जो भी है मैं सोच के बताऊँगा, पर मैं TOK के साथ हूँ तो मेरे को वो बात सही नहीं लगी, इसके लिए मैंने अपक्ष लड़ने का सोचा। अगर कालानी परिवार ने आपको कहा कि उम्मीदवारी से लो तो आप लेंगे क्या? मैंने अभी इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है, मैं उम्मीदवारी वापस नहीं लूँगा। हमारा कहना ये है कि हमारे जो हम लोग जो अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी हम मजबूरी में लड़ रहे हैं, क्यों हमारे वार्ड में छोड़ो हमारे शहर में किधर भी कुछ काम नहीं हुआ है। 15 साल से MLA साहब हमारा है लेकिन कुछ काम किया नहीं उसने, नहीं रोड बनाया है, नहीं पानी का बंदोबस्त किया है, नहीं लाइट का बंदोबस्त किया है, कुछ काम हुआ नहीं है। 15 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ, फंड तो बहुत आया लेकिन फंड किधर गया मालूम नहीं। एक रोड बनाने के लिए एक रोड अच्छे रोड को तोड़ के वापस उसको रोड बनाया गया, जो रोड खराब है उसको कुछ भी नहीं किया लोगों ने। मौला नगरी रोड आज 5 साल से काम चालू है, क्या हालत लगी पड़ी है। UTC ग्राउंड पे हमारा गार्डन है जो बच्चों लोग खेलते थे वो आज बंद पड़ा है, हमारे लिए कोई भी सुविधा नहीं है, कोई हॉस्पिटल का कुछ बंदोबस्त नहीं, स्कूल का बंदोबस्त नहीं, कोई गार्डन नहीं, कुछ नहीं, पण किधर गया मालूम नहीं। इसके लिए अभी हम MLA का चला चलने को लड़ा रहे हैं कि 142 में जो भी काम अधूरे पर हैं उसको हम पूरे करें, काम तो बहुत कुछ पड़े हैं, 15 साल से कुछ काम हुआ ही नहीं है, खाली 2-4 रोड बने हैं, बाकी कुछ भी काम नहीं हुआ है। फंड तो बहुत करोड़ों रुपए आया लेकिन किधर गया मालूम नहीं। अब लोगों की डिमांड है कि कैलाश चेन्नई को खड़ा करो आप। ताजा घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सब्सक्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।